नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद्टॉनिक। चलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं। आज तारीख है 21 नवंबर और दिन के 2:45 हो रहे हैं। आज संडे है, संडे की वजह से मार्केट बंद रहेगा। तो कल जब मार्केट ओपन होगा तो मुझे लगता है सालासर के अंदर जो अब डाउनफॉल था वो खत्म होने को तैयार पे है। अब मुझे लगता है कि इस लेवल पर हम इस गिरावट के दौर में इसमें बाय करते हैं, डेफिनेटली इसमें जो मैं टारगेट देने वाला हूँ सारे टारगेट हिट होंगे। सो दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों, सालासर के बारे में बात करने से पहले प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को एंड तक देखने के बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब समझते हैं सालासर क्या है, किस चीज़ के अंदर काम करती है वो समझते हैं। तो सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग की कंपनी है। तो बेसिकली सालासर की वेबसाइट ओपन कर रखी है। सालासर की टैगलाइन भी बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। तो बेसिकली सालासर क्या करते हैं ये समझते हैं, इनका प्रोडक्शन क्या है ये समझते हैं। ये कंपनी की वेबसाइट है, NSE BSE दोनों पर रजिस्टर्ड है। तो सालासर का क्या है, टेलीकॉम पावर रिन्यूएबल एनर्जी स्मार्ट सिटी पोल्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ठीक है, आर्टिफिशियल। तो बेसिकली कंपनी क्या करती है, टेलीकॉम के जो टावर बनते हैं, ठीक है, तो टावर को मैन्युफैक्चर काम करती है, पावर के जो टावर बनते हैं उनका काम करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको थोड़ा सा ऐसा समझ आएगा। तो ये देखिए, मैं इसके प्रोडक्ट लिस्ट खोलता हूँ टेली कम्युनिकेशन की। तो बेसिकली इसके टेली कम्युनिकेशन की जो ये पोल बनते हैं इस तरह के, देखिए ना, टेलीकॉम के पावर्स, ये टेलीकॉम के जो पोल्स बनते हैं इनको मोनोपोल्स स्मार्ट सिटी सॉल्यूशन टावर्स, ये कंपनी का मैन्युफैक्चर काम है। ठीक है, एक काम ये है। दूसरा, पावर के जो टावर बनते हैं ये देखिए इस तरह के ट्रांसमिशन के, तो ये कंपनी इसका प्रोडक्शन करती है। स्टील के अंदर सारा बनता है, स्टील के प्रोडक्ट, रिन्यूएबल एनर्जी के जो, ये देखिए वाइंड के जो टर्बाइन जो बनते हैं, यानी कि जो इसके पोल्स बनते हैं, ये वाइंड के पंखे वंखे जितने बनते हैं, और ये जो इसका बॉडी बन रही है, ठीक है, सोलर पैनल की जो बॉडी बन रही है, इसका मेकिंग का काम करते हैं। और स्मार्ट सिटी सॉल्यूशन, यानी कि आप देखा दिल्ली में आपने कई जगह स्मार्ट मेट्रो सिटीज के अंदर देखा होगा इस तरह की पोल्स दिखी होंगी आपको, तो इस चीज़ का भी ये काम करती है। तो बेसिकली कंपनी क्या करती है, इन सब चीज़ों को काम करती है। तो कंपनी पोल्स बनाना, इस तरह की पोल्स बनाती है, रोड स्ट्रीट लाइट की इस तरह की पोल्स बनाती है कंपनी। तो अब आपको समझ आ गया कंपनी का बेसिकली वर्किंग क्या है, तो आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली आपको अभी समझ आ गया कि कंपनी करती क्या है। तो सालासर के अंदर आप समझते हैं कि सालासर का जो Q2 का रिजल्ट आया था, मैं उस पर ही बात करूँगा। थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लंबा जाने वाला है, मगर मैं इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ हर चीज़, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आप किस कंपनी के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं और क्या इसका फ्यूचर होगा, ये भी आपको समझ आता है। कि कई चीज़ों के हम शेयर के बारे में नहीं समझ पाते, हम उसकी कंपनी की जो वर्किंग होती है उससे समझ आता है इस कंपनी का फ्यूचर है। तो मुझे लगता है कि इस कंपनी का फ्यूचर डेफिनेटली रहेगा। तो आप समझते हैं इसके अंदर फ्राइडे के दिन, इसके यानी कि वीरवार के दिन इसके अंदर क्या रहा था इसके अंदर, क्योंकि फ्राइडे को तो हमारे गुरु नानक जयंती उपलक्ष्य में मार्केट बंद था। बट अब जब 3 दिन के बाद मार्केट ओपन होगा तो इसमें डेफिनेटली मेरे को लगता है कि इसमें जो गिरावट का मूवमेंट था वो खत्म हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से चार्ट पे इंडिकेशन दिखा है उस पर पहले बात करने से पहले अब समझते हैं इसके अंदर समझ चल क्या रहा था। तो ये देखिए, सालासर के अंदर जब मैंने इसका गूगल पे ओपन कर लिया, सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड, तो कंपनी कब से है इंडिया के अंदर है, 2001 से कंपनी। तो कंपनी जो इन्हें ओपन हुआ था 18 नवंबर को, ये ओपन होता 262 रुपये का, हाई मारता 265 रुपये का, लो मारता है 253 रुपये का। इसका 52 हाई है 372 रुपये का, 52 लो है 98 रुपीस का, मान लीजिए कि 97.85 और 98 का मान लीजिए आप। अब देखते हैं इसके अंदर इसने 5 दिन में हमें कितने रिटर्न दिए, इसने हमें पाँच दिन में अभी तक 3% के प्लस में रिटर्न दिया। एक मंथ के अंदर इसने अभी तक माइनस में 2% रिटर्न दिया, अभी तक 2.80% माइनस में दिया। 6 मंथ में इन्हें 13% माइनस में दिया, अभी तक इसने ईयर टू डेट के अंदर ने अभी तक 117% रिटर्न में प्लस पॉजिटिव दिए हैं। अब और समझते इसके अंदर, ये देखिए मैंने NSE पे देख लिया, इसके अंदर देखिए, ये देखिए डिलीवरी जो उठाई गई है, यानी कि 18 नवंबर को जो डिलीवरी उठाई गई 42.24% इसमें डिलीवरी उठा दी गई थी। अब इसके Q2 के रिजल्ट की बात करते हैं, तो देखिए इसका जो Q2 का रिजल्ट आया था वो 30 अक्टूबर का आया था। अब आप कहेंगे भाई इतने लेट आप Q2 का रिजल्ट आने का देते, लेट आप क्यों एक्सप्लेन करें। देखिए Q2 का जो इंपैक्ट होता है उसके बाद जो गिरावट हुई, गिरावट क्या था, जो उसमें मूवमेंट बन रहा है, तो आप समझते असली वजह क्या थी गिरावट की, और ये सब समझाऊंगा। अब इसका Q2 का रिजल्ट के बारे में, इसका फाइनेंशियली एनालाइज कर लेता कंपनी के बारे में। तो सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड, इसका मार्केट कैप है 7,748 करोड़ का, स्टॉक पी ए 19.4, स्टॉक ROCE इसका है 15%, काफ़ी अच्छा है, ROCE रिटर्न ऑफ इक्विटी 12.9%, काफ़ी अच्छा है, बुक वैल्यू काफ़ी अच्छी 93 की, और डिविडेंड कंपनी ने डिविडेंड दिया अभी तक 2.38% का, फेस वैल्यू उसके 10 रुपये की, काफ़ी अच्छी चीज़ है।
कंपनी की अगर एक क्वार्टर क्वार्टर वाइज रिजल्ट अच्छे दे रही है, इसमें पॉजिटिव इंडिकेशन है। आप समझते हैं इसका जो क्वार्टर टू का रिजल्ट आया था सितंबर का, तो उसके अंदर क्या था, इसकी सेल्स में गिरावट थी क्या थी, समझते हैं। अब देखिए इसका जो क्वार्टर क्वार्टर टू का रिजल्ट आया, तो उसकी सेल देखिए सितंबर 2021 इसका क्वार्टर टू की सेल्स थी 200 लाख, ठीक है 200 लाख की क्वार्टर सेल थी। ये जून क्वार्टर से बढ़ के आई थी और ईयर से भी बढ़ के आई थी। अब देखिए इसके एक्सपेंस हुए थे 179 लाख, प्रॉपरेशनल प्रॉफिट आया था इसका 22 लाख का, नेट प्रॉफिट आया था 10 लाख का, इसका ईपीएस आया था 3.51, ठीक है ये सितंबर 2021 के अंदर आया था। अब देखिए जून क्वार्टर का देख लेते हैं, जून क्वार्टर के अंदर 133 लाख की सेल हुई थी, इनका ऑपरेशन प्रॉफिट आया था 118 लाख का, और इनका ऑपरेशन प्रॉफिट 15 लाख का आया था, इनका नेट प्रॉफिट 7 लाख का आया था और ईपीएस इनका 2.54। अब देखिए ये चीज़ समझने वाली है, देखिए जून क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर काफ़ी अच्छे रिजल्ट देते इसने, क्योंकि सेल में सबसे ज़्यादा इजाफा देखने को मिला था आपको, देखिए यानी कि 30% के अबव इसमें सेल में इजाफा, 133 लाख से बढ़ के 200 लाख हुई थी, ये सेल में इजाफा था, और प्रॉफिट भी 40% बढ़ा था, यानी 15 से बढ़ के 20-22 हो गया था, 40% बढ़ा है। इनका नेट प्रॉफिट भी 7 लाख से बढ़ के 10 लाख हुआ था। ईपीएस में भी देखिए सीधा 1% की यानी कि 1 रुपये की बढ़त देखने को मिली है, 2.54 रुपये से बढ़ के 3.51 रुपये हुआ था, 3.51 हो गया था। ईपीएस में काफ़ी तेज़ी से बढ़त देखने को मिली है। अब चलता हम ईयर वाइज, तो ये देखिए सितंबर 2020 के अंदर इनकी सेल थी 50% यानी कि इसमें भी 30% देखने को ग्रोथ देखने को मिली है। सेल थी इनकी 148 लाख की, वो बढ़ के हुए 200 लाख। ऑपरेशन प्रॉफिट 133 लाख से बढ़ के हुआ 100, ये बढ़ के प्रॉफिट इनका आया था ऑपरेशन प्रॉफिट 15 लाख से बढ़ के 22 लाख, यानी जून क्वार्टर सितंबर क्वार्टर में सेम बढ़ के आया। नेट प्रॉफिट 7-8 लाख से बढ़ के 10 लाख हुआ, यानी कि 20% बढ़ के आया। ईपीएस में भी यानी कि 20% बढ़त देखने को मिली है, इनका सितंबर 2020 के अंदर इनका ईपीएस था 3.07, वो बढ़ के हुआ 3.51, यानी कि आप देखिए सितंबर 2021 का क्वार्टर टू जून से कंपैरिजन करें तो भी अच्छे रिजल्ट आए थे, सेल में भी, ईपीएस में भी और नेट प्रॉफिट में भी, और क्वार्टर क्वार्टर ईयर ईयर वाइज चेक करेंगे तो भी इनकी सेल में बढ़त देखने को मिली है, ईपीएस में बढ़त देखने को मिली है, नेट सेल में बढ़त देखने को मिली है, तो डेफिनेटली आप देखिए नेट प्रॉफिट में भी बढ़त देखने को मिली है। तो देखिए क्वार्टर क्वार्टर वाइज सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अब इसमें गिरावट क्या हुई है समझते हैं। देखिए क्वार्टर क्वार्टर टू का जो रिजल्ट आया काफ़ी अच्छा, रिजल्ट का इंपैक्ट आने वाले टाइम पर आपको दिखेगा, क्योंकि मुझे लगता है इसमें अप ट्रेंडिंग और देखने को मिलेंगे। आप समझते हैं इसके अंदर आप टिकट एक भी साइड हमें और क्या बता रहे हैं। देखिए इसमें कुछ ज़्यादा वो मूवमेंट नहीं है, देखिए ईयर वाइज इनके क्वार्टर क्वार्टर टू ईयर ईयर रिजल्ट अच्छा है, एवरी ईयर प्रॉफिट मेकिंग चली। 2020 के अंदर का प्रॉफिट था 22 लाख का, वो बढ़ के हुआ 29 लाख का, तो ईयर ईयर वाइज इनके प्रॉफिट अच्छे आ रहे हैं। अब देखिए मैंने इसका डेली चार्ट ओपन कर लिया, डेली चार्ट पर समझते से चल क्या रहा है। ये देखिए डेली चार्ट ओपन करा, ये देखिए ये ओपन जब हुआ था ये गिरावट सीधी हुई 253 पॉइंट कुछ पे, ये देखिए नीचे ये कैंडल जो बनी है, ये जो हैमर कैंडल जो बनी है यानी कि अपर साइड और लोअर साइड, लोअर साइड तो कितनी हाई है यानी लॉन्ग है, अपर साइड और डाउन है, तो ये देखिए यहाँ पे जो गिरा एकदम से झटके से गिरा, फिर उससे रिकवर हो, रिकवर के बाद फिर यहाँ शैडो बना ले इसने। अब यहाँ शैडो बनाने का मतलब क्या है कि भैया ये नीचे तो गया, मैं नीचे से फिर रिकवर होकर फिर ऊपर चला गया, यानी कि अब इसके गिरावट के इसकी गिरावट जितनी होनी थी वो हो चुकी है। तो हमें जो स्टॉप लॉस रखने से मैं रखना है 252 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है, तो पहला टारगेट मेरा रहेगा 270 रुपये का, ठीक है। तो पहला टारगेट 270 का रहेगा, तो पहला टारगेट क्या बाय करिए पहले, तो देखिए जो कैंडल है ये कैंडल है 280 रुपये की, तो मेरी ये दो कैंडल बनी है 280 तक की, तो मेरा जो टारगेट रहेंगे 280 तक के रहेंगे। तो पहला टारगेट रहेगा 270 रुपये का, दूसरा टारगेट 275, तीसरा टारगेट 280 रुपये का, क्योंकि हमें 252 रुपये का स्टॉप लॉस रखे, क्योंकि ये जो कैंडल बनी थी कल के दिन में, यानी कि देखिए इधर के बाद से यानी कि 12 नवंबर के बाद से 13-15 नवंबर को देखिए गिरावट हुई, गिरावट देखिए इतना गिरा कल 18 तारीख को इतना गिरा है, 18 नवंबर के बाद ये देखिए गिरने के बाद फिर से अपर की तरफ चला गया, अपर में यार इसने मोटम बनाया, अच्छी खासी जब वॉल्यूम जनरेट करा यहाँ पे इसी लेवल पर आया, यानी कि ये 60 रुपये से लेकर 65 रुपये के बीच में ट्रेड करता रहा, ठीक है ना, 50 पे नेकलाइन पे नहीं गया वापस। तो समझने वाली बात है कि 52 रुपये तो जाएगा नहीं, फिर भी हम 252 का स्टॉप लॉस रखेंगे। तो पहला टारगेट हमारा 270 का रहेगा, दूसरा टारगेट 275, तीसरा टारगेट 280 रुपये का, इन तीन टारगेट का बाय के पैसे होल्ड रखे, क्योंकि डेली चार्ट पे देखिए यहाँ पे इंडिकेशन आ रहा है जो ये था, यानी कि ये देखिए यहाँ पे ये जो क्रॉस मूव होना स्टार्ट हो रही है अब यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे 150 दिन की क्रॉस मूव हुई है, तो ये क्रॉस मूविंग की वजह से इसमें देखिए जो यहाँ पे इंडिकेशन दिख रहा है MACD पे भी, MACD बिल्कुल सपोर्टिंग में चल रही है एकदम से, ये देखिए अभी भी अपिंग पे है MACD, ठीक
लेकिन एवरेज मूव एमएमएसडी अभी भी अप पे है। ये देखिए आरएसआई इसकी अप ट्रेंडिंग की तरफ आ चुकी है वापस, और डेफिनेटली इसमें जो गिरावट का मूवमेंट था वो खत्म हो चुका है। यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं है गिरावट का, ना आरएसआई एमएसडी दोनों पर कोई गिरावट का इंडिकेशन नहीं है। ये कैंडल बहुत बुलिश है, यहाँ पे बुलिश कैंडल दो हैं, दो कैंडल पे सपोर्ट लेगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जो कैंडल बनी थी इन्वर्टेड हैमर कैंडल शूट, ठीक है, तो ये कैंडल के बाद ये कैंडल का सपोर्ट लेके अब देखिए इस कैंडल पे ट्रेड करा इन दोनों कैंडल के बीच में, तो डेफिनेटली इसको अच्छा मूवमेंट मिलेगा। तो मुझे लगता है कि 252 के स्टॉप लॉस आप बाय करिए, पहला टारगेट 270 का, दूसरा टारगेट 275, तीसरा टारगेट 280, तीन टारगेट का बाय करिए, पैसा ना होल्ड रखिए। आई होप ये वीडियो आपकी यूजफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।